गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर वैभव तित्तरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 5, नॉन मेटालिक एंड एडवांस मटेरियल। टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज पॉलीमरिक मटेरियल। लेट अस समराइज द प्रीवियस लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था बेयरिंग क्या होती है, कौन सी बेयरिंग की डिजायरेबल प्रॉपर्टीज रहती है और बेयरिंग के मटेरियल कौन से हैं। आई होप आप सभी ने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज किया होगा। द लर्निंग आउटकम ऑफ टूडेज लेक्चर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंपोजिशन, properties and applications. These are the program outcome which are going to be achieved after successful completion of this lecture. चलिए दोस्तों, तभी हम चैप्टर नंबर 5 का शुभारंभ करते हैं जिसका नाम है नॉन मेटेलिक मटेरियल। तो जो नॉन मेटल्स रहते हैं, नॉन मेटल जो रहते हुए वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं और ना ही इनके ऊपर रोलिंग, मोल्डिंग, एक्सट्रूडिंग और प्रेसिंग ये प्रोसेस होती है। अगर हम केमिकली बात करें तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक एंड सिलिनियम ये सभी पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं जो कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं नॉन मेटालिक मटेरियल्स की। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, नॉन मेटालिक जो मटेरियल रहते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। जो नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब वो हीट को पास होने नहीं देते हैं। उसी तरह वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वह इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने नहीं देते हैं। उनके अंदर डक्टिलिटी ये नाम की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, दे डज नॉट पजेस डक्टिलिटी एंड दे डू नॉट हैव मैलेबिलिटी। बराबर है, तो दीज आर द सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे सिरेमिक, एब्रासिव्स, अडेजिव, कंपोजिट मटेरियल, थर्मोकॉल, कॉर्क, बेकेलाइट्स, प्लास्टिक एंड रबर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल देखा था इसके पहले, जब हमने चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत की थी तब। बराबर है, तो दोस्तों हमने मटेरियल को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया था। मेटल के दो हिस्से थे, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल में आयरन मुख्य पदार्थ रहता था, नॉन फेरस में आयरन मुख्य पदार्थ नहीं रहता था। फेरस मेटल में हमने डिटेल में स्टडी किया है, जैसे स्टील, उसके टाइप्स, उसके एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज सब हमने फेरस मेटल में देखा था। स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन और रॉट आयरन इनको। उसके बाद हमने ये जो नॉन फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल में हमने एल्यूमिनियम देखा, कॉपर देखा और बियरिंग मटेरियल देखे। फिर कॉपर, नॉन मेटल ये सभी को हमने इस क्लास में डिस्कस किया था। बराबर है, उसके बाद हमने अभी नॉन मेटल्स को देखना है। नॉन मेटल्स में बेसिकली आज हमें थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेट और इलास्टोमर्स के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद सिरेमिक में ग्लास और क्रिस्टलाइन सिरेमिक, कंपोजिट में मेटल मैट्रिक्स, सिरेमिक मैट्रिक्स और पॉलीमर मैट्रिक्स। तो ये जो हिस्सा है इस साइड का जो हिस्सा है ये सभी नॉन मेटल्स में आता है। किसमें आता है? ये नॉन मेटल्स में, ठीक है। प्लास्टिक, इलास्टोमर मतलब रबर, सिरेमिक और कंपोजिट। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब क्या? द वर्ड पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली एंड मेरोस। ये जो पॉलीमर शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, पॉली और मेरोस। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और मेनी, पॉली मतलब मेनी, एंड मेरोस का मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट्स। देयरफॉर पॉलीमर मींस अ ग्रुप ऑफ मेनी यूनिट्स। पॉलीमर्स मतलब क्या होता है?
ग्रुप है जो बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है। द कंपाउंड फॉर्म बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। जब हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कंपाउंड करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मोनोमर्स। और अगर हम इन मोनोमर्स को ज्वाइंट करते हैं, टुगेदर लाते हैं, तो क्या बनता है, पॉलीमर्स। तो छोटे छोटे पार्ट्स से छोटे छोटे पार्ट्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो उसको हम मोनोमर्स बोलते हैं। और मोनोमर्स को अगर हम लिंक करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीमर। देयरफोर अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स। पॉलीमर किससे बनता है, हजारों मोनोमर्स से बनता है, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल सेलोडाइडल डायमेंशन कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल। ओके, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द मोनोमर्स टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। ये जो मोनोमर्स को एक दूसरे के साथ लिंक करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। मेनी ऑफ अवर यूजफुल प्लास्टिक्स, रबर्स, फाइबर मटेरियल्स आर ए सिंथेटिक पॉलीमर। इसे हम कौन से पॉलीमर बोलते हैं बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में क्या क्या आता है, प्लास्टिक, रबर एंड फाइबर मटेरियल्स। ओके, तो देखो दोस्तों, इस डायग्राम में आपको ये छोटे 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 मोनोमर्स दिख रहे हैं। इन मोनोमर्स को हम लिंक करेंगे बाय मीन्स ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से लिंक करेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। उसके भी दो प्रोसेस रहते हैं, हम देखेंगे। और इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से हमें एक मटेरियल मिलेगा, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। इस मोनोमर्स को हमने लिंक किया पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, तो हमें पॉलीमर मिल जाएगा। क्लियर है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको करके रखना है। अभी हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिक। जैसे को आपको इस डायग्राम, इस स्लाइड्स में दिख रहा है, प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की बैग्स। चलो इसको पढ़ते हैं। प्लास्टिक इज अ जनरल कॉमन टर्म फॉर ए वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक आर टिपिकली पॉलीमर। प्लास्टिक ही क्या है, पॉलीमर्स से, ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहता है, ज्यादा रहता है। एंड मे कंटेन अदर सब्सटेंस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द कॉस्ट। इसके अंदर हम दूसरे भी सब्सटेंस डाल सकते हैं ताकि इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाए और इस प्लास्टिक की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। जो प्लास्टिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकोस। कौन से वर्ड से डिराइव किया गया इसको, प्लास्टिकोस। इसका मीनिंग है फिट फॉर मोल्डिंग। फिट फॉर मोल्डिंग मतलब जिसमें उसको ढाला जाए वैसा वो बन जाएगा। जैसे हम दूध को किसी भी पॉट में रखते हैं तो दूध क्या कर लेता है, उस पॉट का शेप ले लेता है। उसी तरह प्लास्टिक को हम किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी इसमें मोल्डिंग कर सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक का ग्रीक नाम है प्लास्टिकोस, जिसका मीनिंग होता है फिट फॉर मोल्डिंग। एंड प्लास्टोस का मीनिंग होता है मोल्डेड। इट रेफर टू देयर मैलेबिलिटी और प्लास्टिसिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर दैट अलाउ देम टू कास्ट। मैलेबिलिटी और प्लास्टिसिटी की वजह से उनको हम कास्ट कर सकते हैं, प्रेस्ड कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं, मतलब उसके हम वायर्स बना सकते हैं, इनटू एन इनॉमरस वेराइटीज ऑफ शेप सच एज फिल्म्स, फाइबर्स, प्लेट्स, ट्यूब्स, बॉटल, बॉक्सेस एंड मेनी मोर। है ना, इसके ऊपर हम कास्टिंग, प्रेसिंग, एक्सट्रूजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसके फिल्म्स, फाइबर्स, प्लेट, ट्यूब, बॉटल्स, बॉक्सेस और बहुत कुछ इसके हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी हम दोस्तों टाइप्स ऑफ प्लास्टिक को देखते हैं। तो बेसिकली प्लास्टिक जो है वह
किसके फैमिली का है? पॉलीमर के फैमिली का है। तो पॉलीमर्स जो रहते हैं, यानी पॉलीमर्स मतलब ही प्लास्टिक जो रहते हैं, प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहता है वो मेल्ट नहीं होता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी इन दोनों में, इन लेक्चर्स में। और जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो मेल्ट होते हैं। थर्मोप्लास्टिक के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है सेमी क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमारफोस। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में फिनॉल्स, इपॉक्सी रेजिन्स आता है, थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन, पीईटी, नायलॉन एक्सेट्रा आता है, और एमारफोस में पॉलीस्टीरीन, पॉलीकार्बोनेट एक्सेट्रा। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यही दो मेन मुख्य प्लास्टिक होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर सॉफन व्हेन हीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट बन जाती है एंड हार्डन व्हेन कूल्ड प्रोसेस, और जब हम उसको कूल करते हैं तो वह हार्ड बन जाती है। ओके, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जो है ये रिपीटेड हम कर सकते हैं। मतलब हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगी और उसको कूल करने के बाद वह प्लास्टिक हार्ड बन जाएगी, और ये प्रोसेस रिपीटेडली होती रहेगी। दिस पॉलीमर्स कैन बी हीटेड एंड कूल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हम कितने भी टाइम्स, कितने भी बार उनको हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस दे सकते हैं। ओनली दे शुड नॉट बी हीटेड अबो देयर डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। जब तक वो खत्म नहीं होती है तब तक उसके ऊपर हमको हीट नहीं करना है, मतलब जलने तक उसको हीट नहीं करना है। दीज मटेरियल्स आर नॉर्मली फैब्रिकेटेड बाय साइमल्टेनियस अप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर से वह हम उसको फैब्रिकेट करते हैं। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने, पेपर में आते हैं, चार नाम दिए रहते हैं और पूछते हैं इनमें से थर्मोप्लास्टिक है या नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक में आता है पॉलीविनिल क्लोराइड। पॉलीविनिल क्लोराइड को आप शॉर्ट में बोलते हैं पीवीसी। फिर होता है पॉलिस्ट्रीन, पॉलीमिथिलीन मेथाक्लोराइलेट, नायलॉन, पॉलीथीन और एक्रिलिक्स। तो ये सभी थर्मोप्लास्टिक में आते हैं, ये सभी नाम आपने ध्यान में रखने हैं। ओके, अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की क्या विशेषताएं है? जैसे कि आप यहाँ पे ट्रे देख रहे हैं, ये खिलौने देख रहे हैं, बॉटल्स देख रहे हैं, दे आर मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो चलो वन बाय वन हम अभी थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये सॉफ्ट रहते हैं, डक्टाइल रहते हैं, वीकर है, वीकर मतलब थोड़े कमजोर रहते हैं, थोड़े से ब्रिटल रहते हैं। दे कैन बी रोल्ड एक्सट्रूडेड बाय हीटिंग, इसको हम रोलिंग प्रोसेस या एक्सट्रूजन प्रोसेस कर सकते हैं। इट पजेस लिनियर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इसका लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रहता है। द स्टिफनेस इज लो एंड डिस्टॉर्ड्स अंडर स्ट्रेस, इसकी स्टिफनेस जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम रहती है, और इसके ऊपर अगर ज़्यादा वेट आ गया तो खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। दीज आर हाईली प्लास्टिक एंड आर इजी फॉर मोल्डिंग एंड शेपिंग। इजी है शेपिंग करने के लिए, और उसको कोई भी इसमें हम ढाल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और वो स्ट्रांग नहीं है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहते एज कम्पेयर टू थर्मोसेटिंग। सिंस दे कैन बी रिपीटेडली यूज, दे आर रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू मतलब हम इसको बार बार बिक सकते हैं, कबाड़ी वाला हमको इस हमारे पास से इसको खरीद सकता है। अभी हम देखते हैं अप्लीकेशंस ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो ये जो प्लास्टिक्स है वो सबसे ज्यादा प्लास्टिक वॉल्स और टाइल्स बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। उसके बाद ये फ्लूरोसेंट लाइट रिफ्लेक्टर्स, मतलब लाइट बनाने के लिए। प्लास्टिक लेंसेस, प्लास्टिक लेंसेस मतलब आपके जो स्पेक्टेकल्स रहते हैं, चश्मे जो रहते हैं, गॉगल्स जो रहते हैं, उनको बनाने के लिए हम थर्मोप्लास्टिक का यूज करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स मतलब जो इलेक्ट्रिक के पोल के ऊपर लगते हैं, ये वाले इंसुलेटर्स बनाने के लिए। एयरक्राफ्ट के लाइट फिक्सचर्स, मतलब एयरक्राफ्ट के जो भी नट एंड बोल्ट्स रहेंगे उनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सील बनाने के लिए, गैस्केट बनाने के लिए, ये जो सील दिख रहे हैं आपको, गैस्केट बनाने के लिए हम थर्मोप्लास्टिक का यूज करते हैं।
सबसे पहले जो थर्मोप्लास्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एबीएस। सो एबीएस आर दोज मटेरियल कंटेनिंग एक्रिलोनाइट्रिल बुटाडियन स्टाइरिन। ये एबीएस का फुल फॉर्म है, एक्रिलोनाइट्रिल बुटाडियन स्टाइरिन। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आता है एबीएस का फुल फॉर्म क्या है। मोनोमर्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन बोथ टर्पोलीमर्स एंड ब्लेंड्स। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे एबीएस जो रहता है हार्ड एंड रिजिड है, गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट है, गुड इंपैक्ट रेजिस्टेंस। गुड इंपैक्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या बोलते हैं इसको, टफनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टफनेस। इसकी जो स्ट्रेंथ और टफनेस है वो आउटस्टैंडिंग है। इट पजेस हार्ड सरफेस डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी मतलब कि इसके डायमेंशन चेंज नहीं होते हैं, अगर कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन रहे जैसा वो मैन्युफैक्चर होगा वैसा ही वो आखिर तक रहेगा। इसका केमिकल रेजिस्टेंस काफी अच्छा है, मतलब इसके ऊपर ना एसिड्स का ना अल्कलिन्स का इसके ऊपर कोई असर होता है। इसका हीट रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा है, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसका क्रीप और कोल्ड फ्लो काफी, इसका जो रेजिस्टेंस है काफी अच्छा है, मतलब ये बहुत दिन तक अच्छे से वर्क हो सकता है। लेकिन आप कुछ कुछ प्लास्टिक देखते हो धूप में रखने के बाद एक आध साल में खराब हो जाते हैं, वैसा ही प्लास्टिक नहीं है। दे आर अनअफेक्टेड बाय वाटर। वाटर का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है, ना कोई साल्ट मतलब नमक का, अल्कलीज का और एसिड का एबीएस के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसके कुछ अप्लीकेशन हम देखते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स के पैनल हो गए, ऑटोमोबाइल्स के जो पैनल आपको दिख रहे हैं, रेडिएटर्स जो गाड़ियों में लगते हैं, टीवी के कैबिनेट या कैमराज, टेलीफोन्स, रेफ्रिजरेटर की लाइनिंग्स रहते हैं अंदर में आपको व्हाइट कलर की दिखेंगी, एक्सट्रूडेड शीट या पाइप्स, या सेफ्टी हेलमेट्स। सेफ्टी हेलमेट्स देखो क्यों, सेफ्टी हेलमेट इम्पैक्ट रेजिस्टेंस अच्छा है इसलिए, बराबर, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस अच्छा है इसलिए हम सेफ्टी हेलमेट के लिए एबीएस का यूज होते हैं। ये सेम क्वेश्चन एमएसबीटी के एग्जाम में आया हुआ है, तो आपने इसके एप्लीकेशन अच्छे से याद करने हैं। हम अभी दूसरी प्लास्टिक देखते हैं जिसका नाम है एक्रिलिक्स। एक्रिलिक्स का जो प्योर नाम है पॉलीमिथाक्रिलेट, ठीक है, पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट, जिसको हम शॉर्ट में PMMA बोलते हैं, ठीक है, नाम ध्यान में रखना एक्रिलिक्स का, ये भी पेपर में आता है, पॉलीमिथाक्रिलेट PMMA। दिस पॉलीमर्स आर मिथिल मिथाक्रिलेट, इसका नाम क्या है, मिथिल मिथाक्रिलेट हैविंग ट्रेड नेम परपेक्स। इसका दूसरा नाम भी क्या है, परपेक्स, ट्रेड नेम, बिकने के लिए परपेक्स नाम से भी इसको बेचा जाता है। विनिल प्लास्टिक का ये जो ग्रुप है इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच टू ईच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी ध्यान में रखना है कि पीएमएमए में कार्बन के जो एटम्स रहते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन्स कॉल्ड एज एक्रिलिक्स, बराबर, कार्बन का जो है कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा जिसके एक लॉन्ग चेन रहेगी जिसको हम एक्रिलिक्स बोलते हैं। PMMA इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। सेम क्वेश्चन ये पेपर में पूछा गया है कि PMMA ये किस प्रोसेस से होता है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथिल मेथाक्रिलेट। ओके, मिथिल मेथाक्रिलेट से बनता है और ये इसके अंदर में कौन और रहता है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट। इसके अंदर में और क्या रहता है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट। तो आपको एक ध्यान में रखना है PMMA जो प्रोसेस जो मैं प्लास्टिक है जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनती है, ओके, और इसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट रहता है पेरोक्साइड। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि ये हार्ड है, रिजिड है, ट्रांसपेरेंट है और इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अच्छी। अभी देखो ये ट्रांसपेरेंट है, इसका क्या समझ में आता है कि ये चश्मे बनाने के लिए यूज होगा, बराबर है। इट इज अटैक्ड बाय एसीटोन एंड पेट्रोल, ये इसकी वीकनेस है भैया कि एसीटोन और पेट्रोल से ये खराब हो जाता है। इट इज ट्रांसपेरेंट विद एक्सलेंट क्लैरिटी एंड हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लैरिटी देखो इसकी बहुत अच्छी है। इट इज लाइट इन वेट, हल्के है, एंड टफ इन इजीली स्क्रैच, मतलब ये लाइट वेटेड है, मतलब ये एयरप्लेन्स पे वगैरह प्लास्टिक यूज हो जाएगा, टफनेस भी अच्छी है लेकिन इसकी हार्डनेस कम है। हार्डनेस कम होने के नाते इसके ऊपर स्क्रैचिंग आ सकती है। इट हैज लो एब्रेशन रेजिस्टेंस, बराबर है, हार्डनेस कम है, लो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे ये सॉफ्ट हो जाता है। इट इज गुड इंसुलेटर, इंसुलेटर भी ये काफी अच्छा है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता।
इसके कुछ यूजेस यूजेस मतलब भी हम एप्लीकेशंस को देखते हैं, जैसे सैनिटरी वेयर्स हो गया। सैनिटरी वेयर्स मतलब है हमारे जो बाथरूम में है ना, बाथरूम में जो भी रहते हैं सैनिटरी वेयर्स। देखो फाइबर ऑप्टिक्स बोला था ना आपको, चश्मे क्योंकि इसकी क्लैरिटी अच्छी है। ऑप्टिक्स मतलब चश्मे, ऑप्टिकल्स। कॉन्टैक्ट लेंसेस बराबर है, ऑप्टिकल्स कॉन्टैक्ट लेंसेस। सिंक बाथ ये। रूफ लाइट्स जो हम लगते हैं हॉल में लगाते हैं हम। डिस्प्ले साइंस मतलब अपना नहीं क्या, जहाँ पे हम वहाँ पे डिस्प्ले दिखाते हैं कि ये बस इधर जाएंगी, ये रेलवे उधर जाएंगे, उसके लिए जो डिस्प्लेस रहते हैं उसके लिए। हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट्स है, एयरक्राफ्ट के जो फिक्सचर्स है, उनके लिए हम PMEMA या एक्रिलिक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्मोप्लास्टिक है वह है नायलॉन्स। नायलॉन्स का जो दूसरा नाम है वह है पॉलीमाइड्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि नायलॉन का दूसरा नाम क्या है, पॉलीमाइड्स। नायलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइलेट्रॉल नाइलाफिल प्लास्कॉन। इसका ये नाम है, ये ध्यान में रखना है, नायलॉन का दूसरा नाम ठीक है, नाइलेट्रॉल नाइलाफिल प्लास्कॉन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन अमीन एंड ऑर्गेनिक एसिड। ये आपने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी प्रोसेस से बनता है ये, कंडेंसेशन रिएक्शन से, किसके बीच में, अमीन और ऑर्गेनिक एसिड के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ नायलॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 11, नायलॉन 10। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि इसका एब्राजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा, मतलब इसकी हार्डनेस काफी अच्छी है, टफ है, स्ट्रांग है और फ्लेक्सिबल है। हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ इसकी, मतलब इसकी टफनेस काफी अच्छी है। दे एब्जॉर्ब वाटर विच कॉजेस रिडक्शन इन स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट। वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है। देखो बेटा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है तो बेयरिंग बनाने के लिए इसका जरूर इस्तेमाल होगा। एक्सलेंट रेजिस्टेंस टू हीट एब्रेशन एंड केमिकल रिएक्शन। बराबर, हीट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, ना कोई केमिकल का इसके ऊपर असर होता है। इट इज पुअर रेजिस्टेंस ऑफ हॉट वाटर, अल्कोहल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। वाटर, अल्कोहल और अल्ट्रावायलेट लाइट्स का इसके ऊपर असर होता है, इसके लिए रेजिस्टेंस इसका कम है। इसके क्या यूजेस है, जैसे टायर्स जो रहते हैं, टायर के जो कॉर्ड्स रहते हैं ना, टायर कॉर्ड्स बराबर है, टायर कॉर्ड्स, फाइबर, ये फाइबर के यार्स देख रहे हैं आपको यहाँ पे, गियर्स बनाने के लिए बराबर है। यार्न मतलब ये देखे होंगे आपने, क्लोज, रोप, बाय ब्रश ब्रिस्टल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड फॉर मेकिंग ट्यूबिंग फॉर कन्वेइंग पेट्रोल। तो ये सारे यूजेस होते हैं नॉयलांस के, जिसको आपने अच्छे से याद करके रखना है। ओके, अभी हम देखते हैं PVC, ये आपका जाना पहचाना नाम है, पॉलीविनिल क्लोराइड। ओके, द विनिल क्लोराइड्स आर फॉर्म बाय हाइड्रोक्लोराइड एसिड। किससे बनता है ये, हाइड्रोक्लोराइड एसिड से बनता है, लाइमस्टोन एंड नेचुरल गैस एंड कोर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, एग्जाम में आया हुआ है। तो पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीक्लोराइड एसिड सॉरी हाइड्रोक्लोराइड एसिड, लाइमस्टोन एंड नेचुरल गैस या कोल से बनता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये ध्यान में रखना है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है ऑफ विनिल क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो भी प्रोसेस होगी वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी। इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन एक्सपांडेड और सेलुलर फॉर्म। इट इज अवेलेबल इन टू फॉर्म, नेमली फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। ये दो फॉर्म में मिल सकता है आपको, फ्लेक्सिबल फॉर्म में भी मिलेगा और रिजिड फॉर्म में भी मिलेगा। ये जो स्टेटमेंट हमने देखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, इसके क्या प्रॉपर्टीज है। दे आर फ्लेक्सिबल, द फ्लेक्सिबल टाइप्स आर स्ट्रॉन्ग, वियर रेजिस्टेंस एंड गुड एजिंग प्रॉपर्टीज। दे आर गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड आर वाटर रेजिस्टेंस। 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये सॉफ्ट बन जाते हैं। इट हैज गुड एब्राजन रेजिस्टेंस बट लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी हार्डनेस अच्छी है बट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कम है। गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मतलब ये इंसुलेटर करके हम यूज कर सकते हैं इसको। क्लियर है ये, है ना, ट्रांसपेरेंट है एंड इट कैन बी कलर्ड इजीली। हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है, ऐसी कौन सी प्लास्टिक है जिसकी कलरेबिलिटी अच्छी है,
कौन सी प्लास्टिक है? पीवीसी, कोई भी कलर हम इसको दे सकते हैं। इट इज रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट, इनवेरेबली डिटोरेट्स विद टाइम। इसके जो इम्पैक्ट है मतलब टफनेस जो है टाइम के हिसाब से धीरे धीरे कम हो जाती है। इट इज सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग व्हेन इग्नाइटेड, जब हम इसको जलाएंगे तो खुद ही ये जलने लग जाता है। इसके हम यूजेस देखते हैं, जैसे कि यूज्ड इन मेकिंग केबल एंड जैकेट्स एंड वाटर पाइप्स। जैसे केबल के ऊपर का जो इंसुलेशन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो है ना, ये जो है वाटर के जो पाइप्स है जो हम घर में यूज करते हैं, लीड वायर इंसुलेशन एंड केमिकल ट्यूबिंग, केमिकल ट्यूबिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है। रेफ्रिजरेटर के डोर्स के गैस्केट हो गए, या कोरुगेटेड शीट, कोरुगेटेड शीट मतलब ये छत के ऊपर जो हम शीट लगाते हैं वह। ऑल्सो यूज इन फैब्रिक कोटिंग एट फ्लोरिंग एंड विलिंग पैनल्स, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ होटल्स में, रजवाड़ों में है ना, जो रूफिंग्स के लिए या फ्लोरिंग के लिए हम पीवीसी का यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द सर्टन यूजेस ऑफ पीवीसी। द लास्ट थर्मोप्लास्टिक इज पॉलीथीन। ये पॉलीथीन सभी की जानी मनाई है, सबके नाकों में दम इसी प्लास्टिक में भरा हुआ है, बराबर है। गवर्नमेंट भी इसी को बैन करती है, पॉलीथीन। सो पॉलीओल्फिन रेजिन्स, नाम ध्यान में रखना है, पॉलीओल्फिन रेजिन्स, दैट इज हाइड्रोकार्बन विथ एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम। पॉलीलेफिन मतलब हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके जो आजू बाजू के जो कार्बन के एटम्स है उसमें डबल बॉन्ड रहना चाहिए। पॉलीथीन आर प्रोड्यूस बाय थ्री जनरल टाइप्स, टाइप वन जिसमें लोअर डेंसिटी होता है, टाइप टू इंटरमीडिएट डेंसिटी, और टाइप थ्री हायर डेंसिटी। मतलब डेंसिटी के हिसाब से पॉलीथीन के तीन टाइप्स होते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, हम सभी को पता है कि सबसे लाइट वेटेड है, उड़ती रहती है जहां वहां, सबसे ज्यादा प्लास्टिक का प्रदूषण यही करती है। एक्सेलेंट रेजिस्टेंस टू केमिकल, केमिकल का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, टफ है, फ्लेक्सिबल है, और हाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मतलब इंसुलेटर है, बहुत लो कॉस्ट में है, जीरो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसकी जो कॉस्ट है बहुत कम है। इट हैज लो स्ट्रेंथ एंड लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्ट्रेंथ और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम है, बेयरिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसकी भी कलरेबिलिटी अच्छी है, रंगारंग कलर में आपको ये मिलेगा, हर कलर में आपको ये मिलती है। इसके कुछ एप्लीकेशंस है जैसे बैग्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्यूब्स यूज इन कंटेनर, बैटरी, बैटरी कंटेनर से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बैटरी के जो पार्ट्स है, आइस ट्रे जो आपको फ्रिज में मिलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, मिल्क एंड वाटर बॉटल्स, पैकेजिंग फिल्म एक्सेट्रा, इन सभी के लिए हम पॉलीथीन्स का यूज करते हैं। दीज आर द यूनिट आउटकम अचीव्ड। लेट अस रिवाइज द टूडेज लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने नॉन मेटेलिक मटेरियल के बारे में पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन देखे, फिर हमने प्लास्टिक देखा, प्लास्टिक के टाइप्स देखे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके बाद हमने आज डिटेल में थर्मोप्लास्टिक और उसके जो टाइप्स है उनको हम डिटेल, वो कैसे बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनके क्या एप्लीकेशन है, वो हमने देखा। इस लेक्चर के माध्यम से हमने पीओ 1 से लेकर पीओ 5, पीओ 8, पीओ 9, पीएसओ 2 और पीएसओ 3 को हमने मैप कर लिया है, बराबर है। सो दीज आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आस्क इन एमएसबीटी, पॉलीमर्स, प्लास्टिक, उसके थर्मोप्लास्टिक के क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रॉपर्टीज है ना, ये सभी। और लास्ट वाला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, राइट द प्रोसेस बाय विच ये सभी प्लास्टिक बनती है, ये आपने डिटेल में पढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर काइंड सपोर्ट। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यू हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।